और असी वक्त दी रफ्तार नाल बदलण वाले लोग नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो है काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है। आज की हमारी वीडियो, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी सिंपल शूट वीडियो को कैसे उसका बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं, और वो भी कैपकट में एक छोटी सी ट्रिक के साथ आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं और काफ़ी खूबसूरत वीडियो को बना सकते हैं। जैसा कि आपने नॉर्मल वीडियोस भी देखी और ब्लर बैकग्राउंड ब्लर वीडियोस भी देखी फर्स्ट में, ठीक है। तो आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक वॉच करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज़ आपको क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे आप कैपकट में अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं और अपनी वीडियोज़ को काफ़ी जो है कैमरा, जैसा कि कैमरा शूट वीडियो होती है, कैमरा की शूट, तो आप वैसा उसको बना सकते हैं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक एंड तक जरूर देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि हमारी आने वाली ऐसी आने वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। सो गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी एक वीडियो को सिंपल शूट कर लेना है और उसके बाद आपने कैपकट के अंदर उसको कैपकट को ओपन करना है। अब प्ले स्टोर से आप इस कैपकट को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपने अपनी वीडियो जिसका बैकग्राउंड ब्लर करना है उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो हम जो है यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं, जैसा कि आपने इसको फास्ट में भी देखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉर्मल वीडियो है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड ब्लर नहीं है, लेकिन अभी हम इसका बैकग्राउंड ब्लर करने वाले हैं, तो वीडियो को आपने अच्छे तरीके से ध्यान से समझ लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। उसके बाद आपने नीचे गाइस इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आपने वीडियो इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। वीडियो इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने लेंस पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको कॉफी इफेक्ट्स मिल जाएंगे। और उसके बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल ऑन करना है और यहाँ पर आपको एक ब्लर का इफेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपने एडजस्ट के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से आप अपने एडजस्ट के हिसाब जितना भी आप ब्लर करना चाहते हैं बैकग्राउंड, उस हिसाब से यहाँ पर आपने इसको रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको 10-12 यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसको फुल अपनी वीडियो के साइज़ के बराबर कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, सही है। उसके बाद टिक के साइन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपने बैक आना है। बैक आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से स्कंडर फेस आएगा। आपने क्या करना है, ओवरले के बटन पे क्लिक करना है, ऐड ओवरले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो कि पहले हमने ऐड की थी, आपने फिर इसको सिलेक्ट करना है और ऐड के बटन पर क्लिक कर देना है। ऐड के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने दोनों फिंगर की मदद से आपने इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है, ठीक है। सेट करने के बाद गाइस कुछ इस तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसी नीचे वाली जो कि अभी हमने ऐड की है ना, इसी लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने आगे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कट आउट का, ठीक है। आपने उस पर क्लिक करना है, तो हम जो है यहाँ पर कट आउट को ले लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से कट आउट आएगा, आपने इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपने रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। जो ही क्लिक करेंगे गाइस तो यहाँ पर आपका जो बैकग्राउंड है वो हो जाएगा रिमूव, ठीक है। इसका मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे ना तो यहाँ पर जो है सेकंड वगैरह चलेंगे तो उसके बाद जो है ये रिमूव हो जाएगा। अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारा बैकग्राउंड कैसे रिमूव हो चुका है और कितना खूबसूरत वीडियो लग रही है और बैकग्राउंड भी ब्लर हो चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप जो है अपना बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं, कैमरे की तरह अपनी वीडियो को बना सकते हैं, सिंपल वीडियो को। सो गाइस, आज की जो वीडियो थी यहाँ तक थी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।